जुलाई देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सवनास। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में रालोजत के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के ने बिहार में एनडीए की घटक दलों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग जल्द किए जाने को लेकर बातचीत की। सीट शेयरिंग जो कि इलेक्शन में काफी अहम मुद्दा होता है, उस पर बात हुई। करीब आधा घंटा तक उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह के साथ रहे। इस दौरान रालोजत के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने को लेकर एकजुटता पर बल दिया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की गई कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है, उसी हिसाब से तो तैयारी करेंगे। गौरतलब है कि इसके पूर्व उपेंद्र कुशवाहा ने 20 अप्रैल को अमित शाह से मुलाकात की थी। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने दावा किया था कि विपक्षी गठबंधन का बिखराव तय है। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक विपक्षी गठबंधन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, यानी कि जिस चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है वहां तक ये लोग रहेंगे ही नहीं। महागठबंधन में शामिल बिहार के सबसे बड़े क्षेत्रीय दल के विधायक अपने ही दल के राज्यसभा सांसद से अपनी जाति के अपमान को लेकर भिड़ गए हैं। सही भी है, किसी की जाति का अपमान करने का अधिकार नहीं है, किसी को नहीं है, लेकिन जिस दल और गठबंधन में अनुशासन नाम की चीज नहीं हो उनके नेताओं की बिगड़ैल बोल को कौन रोक सकता है, ये कह रहे हैं नेताजी। खैर, ये उनकी बातें हैं, उन तक रहने देते हैं। फिलहाल रिपोर्ट यहीं तक। फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात।